हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रवाल। कक्षा 12 में अपने आज 173 डे में है, 173 में वेव ऑप्टिक्स हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ बातें कर ली थी। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कर लिया था और डे 172 में हमने किया था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हाइगेन के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो हमने ये नियम पिछले चैप्टर में शुरू में पढ़ लिए थे कि अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है, परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है, सिंपल सी बातें हैं सारी। तो अपवर्तन का नियम हमने सिद्ध किया था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन या म्यू, क्योंकि अपवर्तन का नियम क्या है, स्नेल का नियम ही अपवर्तन का नियम है। इसी तरह से परावर्तन का जो नियम है वो क्या होता है, आपतित किरण और आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी आपतित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण और परावर्तित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण बराबर होते हैं। जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसी पर वापिस परावर्तित हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि परावर्तन का नियम ये है, हमें जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर परावर्तन के नियम का सत्यापन कीजिए। तो हमें सत्यापन करने का मतलब सिद्ध करना है कि परावर्तन का नियम इसके द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो हमें परावर्तन का नियम पता होना चाहिए कि आई और आर बराबर होते हैं। अब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इसमें लेते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं कि आपतित प्रकाश जो होता है वो तरंगागर के रूप में आपतित होता है। तरंगागर का प्रत्येक बिंदु जो होता है नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है जो मिलकर द्वितीयक तरंगागर का निर्माण करती हैं। तो वो बातें हैं, हमें लिखनी नहीं है यहाँ, हमें उसका यूज़ करना है। तो हम क्या मानकर चल रहे हैं, परावर्तन किससे होगा, दर्पण से होगा सबसे पहली बात। तो हमें यहाँ लेंस नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, दर्पण बनाना है। तो जो सतह हमने उसमें एक्स वाई ली थी, इसलिए पिछली कल की क्लास से मैंने कहा था भी आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझ लें, सेम वो का वही आधी से ज़्यादा चीज़ें वही बात करेंगे हम सेम। अब बस वहाँ अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो अपवर्तन की बातें ले रहे हम, अब परावर्तन की कर रहे हैं तो परावर्तन की लेंगे। यहाँ अपवर्तन सतह से होता है, अपवर्तक सतह से, जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। लेकिन परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है, दर्पण से होता है। यानी एक तरफ उसमें पॉलिश होनी चाहिए तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आएगी टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो हमें जो वैल्यू एज्यूम करनी है वो भी हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करते हैं, वो भी हम क्या लेते हैं, वो भी हमें क्वेश्चन में दे दी जाती है कि हमें क्या लेना है। जैसे इसमें परावर्तन का नियम सिद्ध करना है तो परावर्तन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम यूज़ करेंगे तभी सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ ले लेते हैं हम एक सतह x और y। अब ये सतह अगर देखें तो ये तो क्या है, अपवर्तक सतह है। इसको परावर्तन बनाने के लिए, परावर्तक सतह बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक भाग पर पॉलिश कर देंगे। तो ये जो सतह है ये कैसी सतह हो गई, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। सबसे पहली बात तो ये। अब प्रकाश जो आपतित होता है तरंगागर के रूप में दूरी से आ रहा है, हम उसको समतल तरंगागर मानते हैं, और तरंगागर के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये समतल तरंगागर आपतित हो रहा है और इस तरह से आपतित हो रहा है। तो यहाँ पर आपतित तरंगागर का, आपतित किरण का बनाया गया कोण अभिलंब के साथ क्या होगा, यहां पर भी डायग्राम को आप ध्यान से समझ लें, क्या होगा, आपतन कोण होगा। अब यहां प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, इधर ही जाएगी, इधर ही जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये प्रकाश किरण जिस कोण पर आई है उसी कोण पर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तन कोण क्या लेते हैं, हम आर लेते हैं। परावर्तन कोण क्या लेते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, ये है परावर्तन कोण क्या, आई और आर बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। अब भी हमें नहीं लिखना है कि आई बराबर आर, हमें तो क्या करना है, सिद्ध करना है, व्याख्या करनी है ना, सत्यापन करना है परावर्तन के नियम का। तो सिद्ध करना है हमें कि आई और आर बराबर होता है, लेकर नहीं चलना है, दिया नहीं है ये फाइंड आउट करना है। अब देखें, अब इसको यहाँ से जब समतल तरंगागर की बात करें तो यहाँ से हम सामने वाली भुजा पे क्या करें, लंब डाल दें,
तो इसके पीछे का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, ये जितनी दूरी तय करके आ रही है प्रकाश किरण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आपतित हो रही है, ये इधर आपतित हो रही है, तो इसका जो भाग है वो आगे ज़्यादा दूरी पर आपतित हो रहे हैं। इसीलिए क्या करें, इसको बराबर करने के लिए सामने वाले भुजा पर लंब डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसके पीछे का भाग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो प्रकाश किरण है वो इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है। ठीक है, ये यहाँ जो माध्यम है वो एक है, यहाँ दूसरा माध्यम ही नहीं है। इसका जो अपवर्तनांक है वो मान लेते हैं n है, n1 n2 लेने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि एक ही है, n है। ठीक है, इसमें n क्या है, अपवर्तनांक है माध्यम का, और v क्या है, इस माध्यम में प्रकाश का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग। अब ये जो एक्स्ट्रा दूरी तय हो रही है, इसको तय करने में समय लगा है, मान लो कितना t, इस बिंदु को a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, वहां पर भी हमने ये बिंदु लिए, तो ये जो समय लग रहा है इसमें वो मान लेते हैं कितना है, t समय लग रहा है। तो इस दूरी का मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, दूरी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, सेम वही फॉर्मूला। तो हम इसमें साथ साथ लिख लें, ये बात क्या लिख लें कि माना, क्या माना हमने, यहां माना एक्स वाई एक प्रावर्तक सतह है, एक बात तो हमने ये मानी है। इस पर समतल तरंग अगर आपतित होते हैं जो आई कोण बनाते हुए, और प्रावर्तित होते हैं आर कोण पर। ठीक है, माध्यम में, माध्यम का जो वैल्यू ले रहे हैं वो लिख लें अपवर्तनांक n तथा प्रकाश का वेग v है, तब दूरी bc बराबर लिख सकते हैं v इंटू t। पहले कर चुके हम पिछली क्लास में, चाहो तो पूरा लिख लो भी कैसे आया ये, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। तो यहाँ से क्या आया, v बराबर क्या हो गया, दूरी तो हमें निकालनी है bc है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी bc है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो bc बराबर क्या आ गया, v इंटू t। तो ब्रैकेट में चाहो तो पूरी बात लिख दें, सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये मान आ गया यहाँ से BC का मान। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये इतनी जो दूरी है वो VT है यहाँ तक। अब देखो, अब हमें पहले तो ये कोण निकालना है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं, इसलिए इसको जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन आए, पहले भी एक दो डायग्राम आ चुके रही ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पर भी जैसे सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इस तरह से हमने किए थे एक लेंस निर्मात्री सूत्र, इनके अंदर डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो आप क्या करो, आधा बना लो, उसको सॉल्व कर लो, आगे का डायग्राम भी बाद में बनाओ और सॉल्यूशन फिर उसके बाद में करो, तो जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कुछ बच्चों को वो नहीं होगी यहाँ। इसके लिए पहले तो इस एंगल का मान निकालें, इस एंगल का कैसे निकालें, कैसे निकाले इस एंगल का, ये कोण आई है, सीधा ये भी ध्यान रख सकते हो, ये एंगल वही होगा जो उधर वाला कोण होगा, और इधर से अगर कोई बनेगा तो वो एंगल वही होगा जो इधर वाला कोण होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसको। लेकिन ये तो वैसे ही खैर ध्यान रखने के लिए कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। अपने ये यहाँ से सोल्व करें, तो ये तो कोण हो गया आई, ये पूरा बन रहा है इसके साथ 90 डिग्री, तो इधर वाला क्या बनेगा, ये 90 माइनस आई, और 90 माइनस आई बनेगा तो ये क्या बनेगा, आई, क्योंकि ये कितना है, लंब डाला ना, 90 डिग्री है ये, तो वही तीनों का योग 180 डिग्री, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90। ठीक है, तो ये आई होगा तभी तो 90 में से दोनों का योग 90 है, 90 में से घटा देंगे 90 माइनस आई तभी होगा ये, इसलिए इधर से आ रहा है 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई, कौन आई होता है, बाकी आप किसी भी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब इस त्रिभुज को हम सोल्व करते हैं साथ साथ, त्रिभुज ए बी सी से हमें साइन का मान निकालना है, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान क्या है बी सी, और कर्ण का मान क्या है ए सी,
तो बीसी का जो मान है वो क्या है यहाँ से एसी साइन आई, इसे दे दे समीकरण नंबर एक, कमिन समीकरण नंबर एक दे दे इसे। अब देखिए अब करते हैं हम आगे का काम इसके अंदर। अब हमने इस ट्रायंगल को सोल्व कर लिया, इस ट्रायंगल पे हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, क्लियर। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ, एक रचना करते हैं अब यहाँ से, और रचना क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जितनी भुजा बीसी है, जितनी भुजा क्या है बीसी है, उतनी दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं कहाँ, यहाँ पर, इसको और बढ़ा देता हूँ आगे, यहाँ पर जैसे इतनी दूरी है तो इतनी का त्रिज्या लेकर क्या लगाएंगे चाप, पूरा चाहे तो पूरा वृत्त भी आप बना के दिखा सकते हैं, नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से इस पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये तो गई इसकी त्रिज्या, अब इस लाइन को बीच में ध्यान नहीं रखना है, इस वाली लाइन को बीच में ध्यान नहीं रखना है, ये लाइन भूल जाओ अब कहाँ है ये। यहाँ से क्या करें हम, क्या कर दें इस पर खींच दें क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो ये इस पॉइंट को नाम दे दे क्या डी, तो त्रिभुज क्या बन गया ए सी डी, त्रिभुज हो गया ए सी डी। अब हमें इस त्रिभुज को सोल्व करना है, ये बातें वही है कि ये इस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये कोण बनेगा कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें इस वाली लाइन को भूल जाना है कि बीच में ये लाइन आ रही है, ये कोण आ रहा है, अब हमें त्रिभुज क्या ध्यान रखना है ए सी डी, हमें त्रिभुज कौन सा सोल्व करना है ए सी डी, इसलिए आप इसको दो टुकड़ों में बनाए, पहला ये बना लिया इजी दिख रहा था, हमने इसको सोल्व कर लिया, अब इसको हमें देखना ही नहीं है। अब जब ये त्रिभुज है ए सी डी तो इसमें कौन कौन सा चाहिए हमें, कौन सा चाहिए ये वाला चाहिए, अब ये वाला कैसे आएगा, ये कोण कितना है यहाँ से आर, तो ये इतना जो कोण बनेगा, ये जो डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ मैं ये वाले, ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा, ये 90 है ना, 90 में से आर घटा देंगे तो 90 माइनस आर, तो जो 90 माइनस आर है इसका मतलब इधर वाला क्या है आर है, क्योंकि ये 90 हो गया, इन दोनों का योग बचा 90, तीनों का 180 होता है, इन दोनों का बचा 90, ये 90 में से आर घटा रहे हैं तभी क्या आएगा ये आर आ जाएगा, भी ये आर बचा तभी तो ये 90 माइनस आर हुआ, इसलिए ये कोण क्या हुआ आर। तो रचना में आपको क्या लिखना है कि बीसी दूरी के समान, कमिंग बीसी दूरी के समान एडी दूरी का चाप लगाते हैं तथा बिंदु डी से स्पर्श रेखा सी डी खींचते हैं। ये तो हमने की रचना, अब हम इसको सोल्व करेंगे कि से त्रिभुज ए सी डी से क्या है रचना, किस हिसाब से किए बी सी दूरी के समान दूरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या है, इसीलिए हमने पहले बी सी निकाला है, अब क्या निकालेंगे ए डी, दोनों बराबर है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे बराबर रख देंगे और फिर परावर्तन का नियम सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है ए डी सी, इस त्रिभुज से कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई ए डी, लंब हो गई और ये कर्ण हो गया ए सी, तो क्या आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ये लिखा ही हुआ है लंब बटे कर्ण, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ए डी का मान क्या आएगा ए डी बराबर ए सी साइन आर, समीकरण नंबर दो। अब हमें रचना से क्या पता है ए डी और बी सी बराबर है, और ए डी भी निकाल लिया हमने ये रहा और बी सी भी निकाल लिया, समीकरण एक व दो क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, ए डी बराबर क्या है बी सी, समीकरण एक व दो के कमिन मान रखने पर, एक व दो के मान रखने पर
मान रख दें एक और दोगे तो AD और BC के मान रख दें, क्या आ जाएगा AC साइन AD का मान साइन R, BC साइन I, सॉरी AC साइन I, इसमें भी ये आ रहा है AC साइन I, इसमें आ रहा है AC साइन R, तो AC से AC कट गया, क्या आ गया साइन R बराबर साइन I। और प्रॉपर्टी यही है, कोई दो त्रिकोणमिति फलन अगर बराबर हैं तो उनके साथ लिखे गए कोण भी बराबर होते हैं, साइन आई बराबर साइन आर है तो इसका मतलब आई और आर भी बराबर है, तो यहाँ से क्या आ गया आर बराबर आई या आई बराबर आर की बात है। और ये क्या है, ये परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये समीकरण दे दें, इसे तीन लिख दें आप, इसमें समीकरण तीन परावर्तन के नियम को व्यक्त करती है, इस तरह से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल सिंपल सा है डायग्राम, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वो, कर देते हैं हम उसे, आप इसको उसी तरह से बनाएं। अगर आपको पूरा एक साथ समझ में आ रहा है तो एक साथ बना के आप इसको सोल्व कर लें, अदरवाइज आप इसको कितने टुकड़े कर दें, दो टुकड़े कर दें। पहला टुकड़ा पहले बनाएं, उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन लिख दें, उसके बाद आगे का काम करें वो लिख दें। बेवजह ऑप्टिक्स के अंदर किताबों में बहुत ज़्यादा थ्योरी भरी हुई है, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं कटेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें ये भी लिखा रहता है यहाँ से यहाँ रख के इसको चाप लगाते हैं, फिर ए डी मिलाते हैं, फिर बी सी मिलाते हैं, तो वो जब हमने ये करके दिखा रखा है तो मिलाया तभी दिखाया, इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आप जो सामान्य चीज़ें हैं, क्या क्या सिंबल्स के मतलब क्या है, एक तो वो बताना है, हर जगह V का मतलब वेग नहीं होता है, हर जगह N का मतलब अपवर्तनांक नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ बताना है कि यहाँ N माध्यम का अपवर्तनांक है, V माध्यम में प्रकाश का वेग है, ए बी आपतित समतल तरंगाग्र है, बी सी अतिरिक्त दूरी जो तय होती है उसके उसका मान बी सी बराबर वी टी है, कहाँ से आया चाल दूरी समय के सूत्र से आया, ठीक है। फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, कंस्ट्रक्शन हमने अलग से किए, रचना की अलग से, उसके बारे में आप बता दें कि रचना कैसे की है हमने, ठीक है, ये कर लें इसको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला टॉपिक, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें।